होशंगाबाद जिले से मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू करने वाली एक बुजुर्ग महिला इन दिनों लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनी हुई है, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। नर्मदा परिक्रमा कर रही महिला बनी कौतूहल का विषय। महिला के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महिला को पुलिस ने प्रदान की सुरक्षा। महिला जबलपुर के तिलवारा घाट और गौरी घाट पहुंची, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल सक्रिय नजर आ रहा है। बता दें कि बुजुर्ग महिला का पानी पर चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बताया गया है कि बुजुर्ग महिला नर्मदा जल से लोगों का इलाज करती है और उनके इलाज से कई लोग ठीक भी हुए हैं। नर्मदा परिक्रमा वासी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह मां नर्मदा को अपनी मां मानती हैं। एक मिनट, मेरे बहन भाइयों, एक मिनट, बेटा बेटी सब खुश रहे, ये मेरा आदेश है, ये मेरी इच्छा है। मैं नर्मदा को मेरा मां मानती हूँ, तो संसार मेरी मां नर्मदा का है, तो संसार मेरा परिवार है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, ऐसे पूरा संसार खुशी रहा। कहाँ से आए मतलब? तो संसार को खुश करने को मेरे को जो भी पान पत्ता जल भूति जो समझ में आता दे देती हूँ, कि सबके दुख कुछ नहीं बता सकती बेटा, कि ना मैं कोई विद्वान हूँ, ना गुणवान हूँ, और ना मैं कितना कुछ जानती, केवल माँ का नर्मदा जल से मेरे को आवाज का आदेश आता है, तेरे को जो समझ में आए वो दे दे, सबके दुख दूर हो गए, मेरे को जो समझ में आ जाए मैं वो दे देती हूँ। मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरी माँ की आवाज आती है कि जल की आती है, कि हनुमान की आती है, किसकी आती है। होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिला है मेरा, होशंगाबाद कोसार पिपरिया में तहसील। परिक्रमा कहाँ से चालू हुई थी आपने? परिक्रमा शुरू की कहाँ से? होशंगाबाद से। समापन कहाँ पर होगी? होशंगाबाद में। अभी कितने जिलों का आपने भ्रमण कर लिया? कितने भ्रमण कर लिए, कितने जिलों का आपने? कितने जिलों का भ्रमण कर लिया आपने? ये यहीं तक आई हूँ, अभी अब आगे जा रही हूँ। होशंगाबाद से, होशंगाबाद से सीधी गई उस तट से। जी जी, हम समुद्र समुद्र भैया पकड़े दीपावली के बाद समुद्र में आती जा रही हूँ, अमरकंद जाऊंगी, होशंगाबाद आप जबलपुर में कब तक रहेंगे? आप जबलपुर में अभी रहेंगे, कब तक रुकेंगे? अब एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वारी घाट में भीड़ को देखते हुए महिला को पुलिस के द्वारा ग्वारी घाट से रवाना किया गया। वहीं गौरी घाट में अब किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं है। सुबह सुबह ऐसा एक लोगों को फैलाया गया कि कुछ चमत्कारी बातें हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग श्रद्धा भक्ति में दर्शन के लिए उमड़े। तो ग्वारी घाट में एक मंदिर है, वहाँ पर जिनके बारे में बताया गया था उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी वो महिला, और अब वो महिला आगे बढ़ गई हैं, भीड़ भी चली गई। इस बारे में भी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और जहाँ तक पुलिस प्रोटेक्शन की बात है तो वो क्राउड कंट्रोल के हिसाब से प्रोटेक्शन किया गया था और क्राउड मैनेजमेंट किया गया था, ताकि जनता में कोई भगदड़ ना मचे और व्यवस्थित रूप से जनता वहाँ से निकल जाए। देखा जाए तो नर्मदा परिक्रमा कर रही महिला कौतूहल का विषय बनी हुई है, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, जबलपुर।